और इसी बीच जौनपुर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर भारी भीड़ जौनपुर में भी देखने को मिल रही है। पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज कर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती हुई भीड़ पर काबू पाने की कोशिश पुलिस की ओर से की गई है। लगातार पुलिस संयम बरत रही थी, लोगों को समझा रही थी कि आप कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना मत कीजिए, लेकिन जब लोग नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उसी की तस्वीरें मतगणना स्थल पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इस भीड़ को यहां से मौके से हटाने के लिए लाठियां बांधी है। उसी की तस्वीरें, जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास इन तस्वीरों को लेकर के? बिल्कुल हेमंत, आपको बताया जाए कि जब मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, उसके बाद काफी तादाद में लोग जो है वो मतगणना स्थल के बाहर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं त्रिपुणी ब्लॉक की हैं, जहाँ पे लोग पहुंचे और काफी तादाद में लोग थे। प्रशासन ने इनसे अपील किया जो है कि आप लोग यहाँ पे भीड़ न लगाएं, आप लोग दूर रहें, जो भी रिपोर्ट आएगी वो सूचना जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जा रही है, आप लोग दूरी बनाए रखें क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना काल है, ऐसे में दूर रहना सबको आवश्यक है। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, उसके बाद वहां से भीड़ को खदेड़ा या सामान है और मतदान प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल राजन, एक तरफ जहां आंकड़े देखिए कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज ही अगर उत्तर प्रदेश में बात करें 30,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स मिले हैं, इसके बावजूद जनता क्यों नहीं समझ रही है? हालात इतने भयावह है, इसके बावजूद क्यों नहीं समझ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण है, घरों से नहीं निकले ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल साफ तौर पर लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो कोरोना है ये संक्रमण है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जिस तरह से मौत के आंकड़े आते हैं, मेरे ख्याल से जौनपुर के हम बात करते हैं, जौनपुर में भी काफी तादाद में जो है वो निरंतर संख्या बढ़ी है, काफी तादाद में मौत हो रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक गाँव के जो लोग नहीं तस्वीरें जो है शामिल होती है, लोग काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें क्योंकि आखिरकार सुबह से पुलिस देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लोग नहीं मान रहे थे, लाठी चलानी पड़ी। और इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर मिल रही है।